लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आमा, 2 लाख रुपए की आजकल के जमाने में कीमत ही क्या होती है? उस मामूली से नेगेटिव की कीमत 2 लाख से ज्यादा और क्या हो सकती है? अगर वो नेगेटिव मामूली होता तो उसके 2 लाख तो क्या तुम 2 रुपए भी नहीं देते। बरखुरदार उस नेगेटिव में तुम्हारे किए हुए जुर्म का सबूत है। ये ब्लैकमेल है टाइगर, कितनी कीमत चाहिए तुम उस नेगेटिव की? आमा, ऐसी भी क्या जल्दी है कीमत चुकाने की बरखुरदार? जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे तुमसे, ले लेंगे। हाँ, हेलो प्रिया, मैं अमर बोल रहा हूँ, फोन मत काटना प्लीज। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कोई केस उलझ गया है क्या? शायद मेरी जिंदगी का ही केस उलझ गया है। प्रिया से झगड़ा हो गया है क्या? झगड़ा हुआ होता तो कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ तो बिना झगड़े के ही मेरा सब कुछ उजड़ गया। सब कुछ उजड़ गया, क्या बात है? माँ, अचानक प्रिया मुझसे इतनी नफरत करने लग गई है, उसे मैंने विक्की के साथ हाथ में हाथ डाले हुए देखा। नहीं बेटा, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? कैसी मजबूरी हो सकती है? मैं जवान हो। आप यहां तो है मगर कैसे? विकी बाबू है। विकी है ना ऊपर बेडरूम में, जाइए। थैंक यू। थैंक यू। लव टू लव यू बेबी, I love to love you, baby. I love to love you, baby. जब किसी से प्यार करता हूं तो बहुत प्यार करता हूं, जब नफरत करता हूं तो बहुत नफरत करता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू, आउट। गॉड ब्लेस मी आल्सो। बेटी, तुम सुबह सुबह कहां चली गई थी? जानती हो मैं कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं? जी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। तुम कुछ दिनों से खोई खोई सी लग रही हो,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी कुछ भी तो नहीं। देखो बेटी, मैं एक पुलिस अफसर हूं, लोगों के चेहरों को देखकर मैं बहुत कुछ समझ जाता हूं। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, कोई बोझ है तुम्हारे दिमाग पर जिसकी वजह से तुम इस तरह गुमसुम रहती हो। देखो मुझसे कुछ मत छुपाओ बेटे, कहीं तुम विकी से तो परेशान नहीं? देखो अगर तुम्हें विकी पसंद नहीं तो उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करूंगा जिसे तुम दिल से चाहती हो। बेटी तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम्हें देख देख कर ही तो तुम्हारा ये बाप 19 साल से जिंदा है। मुझसे कुछ मत छुपाओ बेटी। Could I speak to Priya? जी हाँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर अमर का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत जख्मी हालत में है, नेशनल हॉस्पिटल में। Oh my God! क्या नाम बताया आपने? कौन सा हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब, पुलिस ऑफिसर अमर कहाँ है? अमर? हाँ? रूम नंबर 22 में है। थैंक यू। मुझसे दूर भागने वाली आज मेरी मौत की खबर सुनकर पागलों की तरह मेरे पास दौड़ी क्यों चली आई? मगर वो एक्सीडेंट, तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, तुम हर बार टालती रहीं, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें यहां इस तरह बुलाना पड़ा। प्रिया हकीकत क्या है? किस हकीकत का जवाब चाहिए तुम्हें? वो हकीकत जो अचानक मुझसे नजर फेर लेना, वो हकीकत जो विक्की के हाथ में हाथ डालकर यूं होटल में आना। हाँ ये सच है, मैं विकी से शादी करना चाहती हूँ। ये सब झूठ है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम विकी से नफरत करती थी और करती हो, और सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, करती हो और करती रहोगी। हाँ प्रिया, क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से ये सब अचानक बदल गया? मैं तुम्हारे कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। मैं कुछ नहीं जानती। प्रिया तुम्हारी एक छोटी सी भूल तुम्हें कहां से कहां तक ले जा सकती है। मुझसे कुछ मत छुपाओ प्रिया, मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। बोलो, तुम्हें मेरी कसम, बोलो प्रिया प्लीज। इतनी बड़ी कसम दिलाकर मुझे सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया, तो सुनो। उस हादसे के बाद विकी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मुझे बचा लो अमर, मुझे बचा लो। प्रिया सब ठीक हो जाएगा। सर आपके फॉर्मूला के सामने मेरे सारे फॉर्मूले फ्लॉप हो गए। क्या फंसाया आपने प्रिया को? दारू पी के कहीं भी कुछ भी बकवास करता रहता है, ज्यादा बकबक की तो ये महीने की पगार काट लूंगा। पगार कहाँ देते हो जो काटोगे? कौन है बे? क्या बात है इंस्पेक्टर, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? लोगों को ब्लैकमेल करता है। इंस्पेक्टर पछताएगा तू। सर एसपी साहब ने आपको फौरन बुलाया है। इस तरह एक इज्जतदार आदमी को हवालात में बंद करने की वजह जान सकता हूं? सर वो इज्जतदार नहीं, बहुत बदमाश आदमी है, ब्लैकमेलर है। क्या किया है उसने? सर चुप रहने में ही भलाई है अमर, अगर एसपी साहब को सच्चाई मालूम पड़ गई तो? आखिर कानून तो कानून ही होता है। जवाब दो, क्या किया है उसने? मैं आपकी किसी बात का इस वक्त जवाब नहीं दे सकता सर। अपने कॉलेज की कोई दुश्मनी निकाल रहे हो? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अमर, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। नाउ गो एंड रिलीज हिम। बट सर, दैट्स एन ऑर्डर। सर
मैं डैडी को साफ साफ कह देती हूँ कि विकी बेईमान है, ब्लैकमेलर है। नहीं प्रिया, ऐसी गलती मत करना। कानून आखिर कानून है। जब तक विकी के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम्हारे डैडी कुछ नहीं कर सकते। हाँ एक बात जरूर है, शशि का खून विकी नहीं किया है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ अमर एक बात है, जिस वक्त मुझे गाड़ी में बॉडी मिली थी उसकी पिछली रात मेरे रेडिएटर में पानी खत्म हो गया था। जब मैं पानी लेने गई थी तो डिक्की खुली थी, जब मैं वापस आई तो डिक्की बंद थी। यानी मेरे आने जाने के बीच में किसी ने डिक्की में बॉडी रख दी होगी। ये सब विकी की चाल है, वो मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। ऐसा हरगिज नहीं होगा, विकी का ये सपना मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा। सारे गम पधनी पिएगी? नहीं। सारे गम पधनी नी नी सा। कौन बोला रे? तुम बोला? ए तुम बोला के? हम नहीं बोला। चा कौन बोला रे? हम बोला। ए तुम बोला? हेलो 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 जी, गले मिलते यार। ए मैंने आपको पहले कहीं देखा है? ओल्ड फ्रेंड्स। ओल्ड फ्रेंड्स? वेरी वेरी ओल्ड। आई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। कहाँ मिले थे हम लोग? बार 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 शराब का अड्डा। अब आई गए तो बैठो यार, बैठ सिट। सारे गामा पाधानी सा 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 नहीं, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी? ओ क्यों? ओ ओ ओ भाभी जी। ईश ब्यूटीफुल भाव। नियत मत बिगाड़ो। होता है शराब में जरा ऐसे ही होता है, लेकिन नियत बट ब्यूटीफुल फंटर। प्राइवेट प्रॉपर्टी। सॉरी। चीयर्स। ये नाक सोचना मत कि मुझे चढ़ गई है। चढ़ गई है? इसको पीना बोलते, तुमने पी किधर है? क्या समझता है मैंने पी है? इसको पीना बोलते हैं तो? अरे शेर की तरह पीते हैं, शेर की तरह, मर्द की तरह, ऐसे। अब जी खाता हूँ। अब बोल मैं कौन हूँ? लल्लू। ये मैं लल्लू? अरे मैं शेर हूँ, शेर, मर्द हूँ, मर्द। मर्द तू है तो? अरे मर तो वो तेरा सेठ है ना, विक्की। काहे का सेठ? हो मैं 5-6 दिन मेरे साथ ज्यादा रहा ना तो उसका सारा माल हड़प कर लूंगा, भिखारी बना दूंगा उसे। क्या? जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा मैं उसे। एक बात बताओ, प्राइवेट है, किसी को बता दो मत। विक्की ने शशि का खून किया है। हा? और प्रिया को फंसा दिया है। शादी करना चाहता हूँ उससे। प्रिया के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये शादी नहीं, बर्बादी होगी, बर्बादी। क्या होगी उसकी? बर्बादी। बर्बाद कर दूंगा उसे मैं। कहना नहीं है किसी से, मैंने कुछ नहीं बोला। We are friends. Friends, old friends, old friends. अच्छा, सेव। ए किधर जाता है? मैं तेरी भाभी के पास, तू मेरी भाभी के पास। चीयर्स 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 चीयर्स। गुड बाय गुड बाय।
हेलो डार्लिंग। टैक्सी। अरे बेटे तुम। अरे बाबा आप कैसे हो? ठीक हो, तुम कैसे हो? बाबा मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, टैक्सी तुम्हारी ही, आ जाओ। और बाबा कैसा चल रहा है आपका काम? बस सब ठीक ठाक चल रहा है, तुम बताओ कैसे चल रहा है? बस ठीक है बाबा। विकी ने शशि का खून किया है और प्रिया को फंसा दिया है, शादी करना चाहता हूँ उससे। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं। माँ ये कोई वक्त है घर लौटने का? आज कुछ मत कहना माँ, इतनी कोशिशों के बाद इतनी बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिल गया। मुश्किल? कैसी मुश्किल? सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक ठाक तो नहीं था माँ, मगर इस कसेट के मिलने से सब ठीक हो जाएगा। ये कसेट नहीं, प्रिया की जिंदगी है। किसी ने प्रिया को अपने जाल में फंसाने के लिए खून का इल्जाम उसके सर डाल दिया था। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम खामखा परेशान होती। कल जब मैं ये कसेट अदालत में पेश करूंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये कैसेट पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मेरे बेटे को फांसी हो सकती है। अगर ये कैसेट पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मेरे बेटे को फांसी हो सकती है। फांसी हो सकती है मेरे बेटे को। फांसी हो सकती है। फांसी हो सकती है। फांसी हो सकती है। मुझे किसी भी कीमत पर ये कैसेट, मुझे ये कैसेट किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा।